निर्मल ग्राम पंचायत नौनी की मासिक बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पंचायत के प्रधान मदन हिमाचली ने की। इस मौके पर पंचायत के सभी 9 वार्डों के सदस्यों सहित उप प्रधान हरदेव ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। क्षेत्र के विकास के लिए विस्तार से भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान सभी सदस्यों ने अपनी कीमती सुझाव भी रखे। वहीं बरसात के समय में जल जनित रोगों से पंचायतवासी प्रभावित न हो इसके लिए योजना भी तैयार की गई। प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों को बेहतर और स्वच्छ बनाने के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रधान मदन हिमाचली ने सदस्यों को जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पंचायतों को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत सबसे पहले वे अपनी पंचायत में पंचवटी योजना के तहत पार्क बनाने जा रहे हैं। इस पार्क का स्वरूप क्या रहेगा और इसे कहाँ बनाया जाएगा, इस पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इसके विकसित कर लोगों के लिए सैरग्राह का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत पर हर वर्ष जल जनित रोग फैलते हैं, इसे पहले से नियंत्रित किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। सर्वप्रथम जल जनित रोग जो है उससे कैसे हम बचा जा सके, उस पर विचार मंथन किया गया और नौनी पंचायत के 7 वार्डों में जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं और जो बावड़ियां हैं उनके स्वच्छता का कार्य प्रगति पर है, उसका काम हमने शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो हमारी 51 लाख रुपए की शेल्फ पास हुई थी उस पर भी विचार विमर्श किया गया है कि लोग अपना अपना काम शुरू कर दें, मनरेगा के तहत योजना के तहत अपना काम शुरू करें। तो लोगों ने ये चाहा है कि अभी हमारा सीजन लगा है, उसके तुरंत बाद हम ये काम शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो हमारे विकास कार्यों पर मंथन हुआ है, पंचवटी जो निर्माणाधीन है उस पर भी विचार विमर्श किया गया और ये अनुरोध किया गया जिला प्रशासन से कि अतिशीघ्र उसका प्रारूप तैयार करके जो पंचवटी है उसका कार्य शीघ्र शुरू आरंभ किया जाए। तो अतिशीघ्र हमारे पास जो जेई साहब आने वाले हैं वो एस्टीमेट तैयार करेंगे और उसका काम भी हम शुरू करेंगे। ये जो पंचवटी योजना हमारी प्रारंभ की जा रही है, इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चों के लिए इसमें पार्क डेवलप किया जाए, इसमें मनरेगा के तहत पौधारोपण किया जाएगा और एक सैरगाह के रूप में पंचवटी को जो हम डेवलप करने के लिए हमारी जिला प्रशासन की ओर से आदेश किए गए हैं, जिसका प्रारूप अतिशीघ्र बन करके तैयार होगा और उसके लिए जिला प्रशासन और हिमाचल सरकार की ओर से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।